हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन एंड नेचर्स लवर। मैं आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राइस वाटर के बारे में। राइस वाटर हमें कितनी मात्रा में डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, कितने दिन बाद डालना चाहिए। तो देखिए, मेरे सारे इंडोर प्लांट्स रखे हुए हैं और ये आपके पिंक लिपस्टिक है, ग्लोनीमा है, और ये मैं कुछ सिंगोनियम एंड सनसवेरी उस दिन खरीद के लाई थी, मैं आपको वीडियो बना के दिखाई थी। तो एक देखिए, 10 रुपये में एक साथ कितने सारे सनसवेरिया हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं राइस वाटर के बारे में कि राइस वाटर आपके प्लांट्स के लिए कितना बेनिफिशियल है, किस तरीके से बेनिफिशियल है। तो देखिए, राइस वाटर में आपके माइक्रो न्यूट्रिशन पाया जाता है, कुछ मात्रा में आपके एनपीके पाया जाता है, और ये कार्बोहाइड्रेट रिच होता है ना। तो उस कंडीशन में आपके प्लांट्स को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं। कैसे बनता है हेल्दी प्लांट्स? जब आपके सॉयल हेल्दी होंगे तभी आपका प्लांट्स हेल्दी होगा। बिना सॉयल हेल्दी हुए प्लांट्स कभी हेल्दी नहीं हो सकता। तो सॉयल को कैसे ये हेल्दी बनाता है, आपको पहले ही मैं बताई हूँ कि राइस वाटर में माइक्रो न्यूट्रिशन पाया जाता है, कुछ मात्रा में एनपीके। तो ये क्या करती है, सॉयल में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उसको क्या करती है, खाना प्रोवाइड करवाती है। जैसे लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस को खाना प्रोवाइड करवाती है। खाना प्रोवाइड करवाने से लैक्टोबैसिलस हेल्दी हो जाता है, और जो अनवांटेड जैसे फंगस हो गया, वायरस हो गया, इसको किल करती है। तो इसको किल कर देने से आपका ऑलरेडी सॉयल हेल्दी हो जाता है और आपको प्लांट्स के न्यूट्रिशन मिलते हैं। प्लस जैसे कुछ माइक्रो न्यूट्रिशन भी होता है जिसको ग्रोथ करने के लिए भी ये काम करती है। तो बात करते हैं अब इसके अनहेल्दी के बारे में कि ये आपके प्लांट्स के लिए बुरा कैसे हो सकता है। आप कंटिन्यूसली आप राइस वाटर कभी भी सॉयल में मत डालिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, सॉयल आपका हार्ड हो जाएगा। हार्ड कैसे होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि ये स्टार्च रिच है ना, ये मीठा है। तो आप देखिए, आप साड़ी में या किसी चीज़ में अगर हम मार देते हैं या गिर जाता है, वो कितना कड़क हो जाता है। तो सेम प्रोसेस आपका सॉयल भी कड़क होगा, है ना। तो सॉयल कड़क हो जाने से, हार्ड हो जाने से सॉयल, आपका रूट का ग्रोथ नहीं होगा। रूट का ग्रोथ नहीं होगा तो प्लांट इजीली अनहेल्दी हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप महीने में एक ही बार राइस वाटर डालिए, है ना। और ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो राइस वाटर कभी मत डालिए, क्योंकि राइस वाटर ज़्यादा गर्मी में पूरे सॉयल को कड़क बना देती है, ठीक। तो आप उस कंडीशन में आप कभी मत डालिए, गर्मी में ज़्यादा आप मत डालिए। हाँ, आप जब ठंड रहती है, बरसात रहती है, आप उसमें एक महीने में एक बार ज़रूर डाल सकते हैं राइस वाटर, लेकिन ज़्यादा नहीं डाल सकते। प्लस इसमें इंसेक्ट का भी अटैक होता है, क्योंकि उनको फूड मटेरियल स्टार्च मिलता है खाने को, जैसे माइट्स हो गया, टर्माइट हो गया, फिर आपका एंट हो गया, ये सब क्या है, उनको खाना प्रोवाइड करवाती है। तो इस कंडीशन में आपको नहीं डालना चाहिए। हे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।